Hello friends, welcome to my YouTube channel DGP Maths. In previous two lectures, we have started complex number, we have seen what is complex number, why we need complex number, then we have seen its real part, its imaginary part, then in the second lecture we have seen basic operation of complex number, that is how to add, subtract, multiplication and division. Now let's do some example based on that. So this first example, if z1 is equal to 2 plus 3i, this complex number given to us, and z2 is equal to minus 1 minus 2i, then find z1 plus z2 means addition of these two complex number, z1 minus z2 subtraction, 2z1 means we multiply z1 with 2, 3z2 means we multiply z2 with 3, 2z1 plus 3z2, 3z1 minus 4z2, z1 into z2, that is multiplication of two complex number, 1 upon z1, that is reciprocal or inverse of z1, and next is z1 upon z2, that is division of complex number. So ye example karne se jo basic operation hai uski achhi practice ho jani chahiye. So let's start the example. So for first one we have to find z1 plus z2. मीन्स सिंपल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है, तो पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहां लिख देते हैं. सो 2 प्लस 3i, लेट्स राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन ब्रैकेट, प्लस z2 इज माइनस 1 माइनस 2i. अब एडिशन करने के लिए जैसे हमने पहले देखा है कि हम दोनों के प्योरली रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग सेपरेटली एड करेंगे. तो इसका रियल पार्ट है 2, इसका रियल पार्ट है माइनस 1. सो 2 प्लस माइनस 1, अभी फिलहाल इस माइनस 1 को हम ब्रैकेट में रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेंगे कि प्लस माइनस का क्या होता है. प्लस कंपल्सरी प्लस यहां पे आई, और फिर ब्रैकेट में यहां पे इसका इमेजिनरी पार्ट है 3, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट है माइनस 2. फ्रेंड्स, इमेजिनरी पार्ट के लिए हमें हमेशा उसके आगे की साइन क्या है वो केयरफुली देखना है. So 3 प्लस माइनस 2, तो फिर से हम यहां पे ब्रैकेट यूज कर देते हैं. अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं. सो 2 प्लस माइनस 1, सो 2 माइनस 1, सो 2 माइनस 1 इज 1, प्लस आई 3 प्लस माइनस 2, सो प्लस माइनस माइनस, सो 3 माइनस 2 इज 1, सो आई इंटू 1, यहां पे ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है. सो 1 प्लस आई इज द आंसर ऑफ z1 प्लस z2. सिमिलरली z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 के लिए फिर से हम यहां पे z1 लिख देते हैं 2 प्लस 3i माइनस माइनस 1 माइनस 2i. सो दिस इज इक्वल टू, अब हम जैसे यहां पे रियल पार्ट को ऐड करते थे, इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते थे, सिमिलरली यहां पे हम रियल पार्ट को सबट्रैक्ट करेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट को सबट्रैक्ट करेंगे. सो रियल पार्ट है 2, then minus because subtraction कर रहे हैं, and then its real part is minus 1, तो यहाँ पे हम फिर से उसे bracket में लिख रहे हैं. फिर यहाँ पे compulsory plus addition करें या subtraction करें, यहाँ पे plus आएगा, दोनों के बीच की जो operation है उसमें हमें minus लिखना है. so plus i, इसका imaginary part है 3, then compulsory minus because हम subtraction कर रहे हैं, और फिर bracket में इसका imaginary part है minus 2. Now we simplify this. So this minus minus is plus. So 2 plus 1 is 3 plus I. 3 minus minus plus. So 3 plus 2, that is 5. So यहाँ पे हम लिखेंगे 5. अगर friends यहाँ पे answer minus होता तो plus minus minus हो जाता. यहाँ पे इसका answer plus है, इसलिए ये plus यहाँ पे. So in this way we can subtract two complex number. Now we want to find out this 2z1 and 3z2. So 2z1 means z1 को हम 2 से multiply करेंगे. जैसे हमने सीखा था कि multiplication of two complex number. तो यहाँ पे ये जो 2 है, उसे complex number तो कह सकते हैं, लेकिन वो कैसा complex number है? Purely real. तो हमें उसे उस वे में multiply करना है. So for third one, 2z1. So 2z1. So 2 से हमें z1 को मल्टीप्लाई करना है, z1 इज 2 प्लस 3i. सो दिस इज इक्वल टू, 2 को हम अंदर ले जाएंगे, सो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 3 6i. तो ये हमें मिल गया 2z1. सिमिलरली फोर्थ वन,
फोर्थ में हमें करना है 3z2, सो 3 को हमने यहां बाहर रख दिया, z2 की वैल्यू है -1 -2i, सो दिस इज इक्वल टू 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, रियल पार्ट के साथ में और इमेजिनरी पार्ट के साथ में, सो 3 into -1 इज -3, देन -3 into 2 6i, तो ये हमें मिल गया 2z1 और ये हमें मिल गया 3z2। नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज फिफ्थ वन इज 2z1 + 3z2। अब यहां पे फ्रेंड्स हमें थोड़ा केयरफुल रहेंगे, हम यहां पे 2z1 यानी z1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, z2 के आगे 3 है मींस 3z2 यानी z2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उन दोनों को हमें ऐड करना है। तो हमने 2z1 ऑलरेडी थर्ड में फाइंड आउट किया हुआ है तो उसे हम यहां पे यूज कर लेंगे। सिमिलरली 3z2 यहां पे हमने फोर्थ में फाइंड आउट किया हुआ है तो उसे हम यहां पे यूज कर लेंगे। अगर हमने ये फाइंड आउट नहीं किया होता तो हम डायरेक्ट यहां पे 2 × z1 + 3 × z2 फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन यहां पे हमने 2z1 और 3z2 ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है तो उसे हम यहां पे यूज कर लेंगे। सो 2z1 इज 4 + 6i + 3z2 इज दिस -3 - 6i। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं रियल पार्ट को ऐड करेंगे, सो रियल पार्ट इज 4, ये रियल पार्ट इज 3, सो 4 + -3 देन प्लस आई। अब इमेजिनरी पार्ट इज 6 ओवर हियर, हियर इमेजिनरी पार्ट इज -6, सो 6 + -6i, सॉरी वी हैव ऑलरेडी रिटन i ओवर हियर, सो 4 + -3 + i 6 + -6, सो दिस इज इक्वल टू ±, सो 4 - 3 इज 1 प्लस i ±, so 6 - 6 is 0, so this is equal to 1. So यहाँ 2z1 + 3z2 का आंसर हमें 1 मिला, which is also a complex number, but this is purely real. Next is in the sixth one we have to find out 3z1 - 4z2. तो यहां पर हमने 3z1 और 4z2 फाइंड आउट नहीं किया हुआ है, इसलिए हम यहीं पे उसे फाइंड आउट करेंगे और दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 times z1, सो z1 इज 2 + 3i - 4 times z2, सो z2 इज -1 - 2i, सो दिस इज इक्वल टू, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 × 2 6 + 3 × 3 9i, तो यहां हमने 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, हम यहां माइनस को बाहर रखते हैं, 4 को अंदर ले जाते हैं, सो 4 × -1 दैट इज -4, 4 × 2 सो दिस इज 8i। फ्रेंड्स यहां पे ध्यान रखिए कि हम सिर्फ 4 को अंदर ले गए हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस को हमने बाहर ही रखा। तो अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो जैसे हमने आगे सब्ट्रैक्शन किया था रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन, सो रियल पार्ट है 6 और -4, तो 6 माइनस ये माइनस क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो 6 - 4 फिर यहां पे कंपलसरी प्लस i ही हम लिखते हैं, देन 9 इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस बिकॉज हमें सब्ट्रैक्शन करना है -8 क्योंकि यहां पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो -8 है। अब हम इसका सिंपलीफिकेशन कर देंगे, सो 6 - - + सो दैट इज 10 प्लस i -- सो 9 + 8 दैट इज 17, सो 10 + i 17 और 17i व्हाटएवर इट इज, सो दिस इज द आंसर ऑफ 3z1 - 4z2। Now next we want to find out multiplication of z1 and z2. So now 7th z1 into z2. This is equal to z1 is 2 + 3i into z2 is -1 - 2i.
इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम पहले 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3i से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 into -1 -2i, ये 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, देन प्लस 3i into -1 -2i, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2 -4i, तो ये 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3i into -1 दैट इज -3i -3i into 2, सो दिस इज 6i स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -2 -4i प्लस माइनस, दिस इज -3i प्लस माइनस -6. Now we know that I square is equal to -1. तो यहाँ I square की वैल्यू हम -1 substitute कर देते हैं this I square. So this is equal to -2. ये हो जाएगा -6 into -1. -6 into minus that is plus. तो उसे हम यहाँ पे real part के साथ मिला देते हैं. फिर -4i -3i will be -7i. So this is equal to 4 -7i. So in this way we can multiply two complex number. Next, 8th is 1 upon z1 means reciprocal of z1 or inverse of z1. So 1 upon z1 is 2 plus 3i. Iska hame simplification karna hai, yani hame 8 plus ib ke form mein likhna hai, real part प्लस आई इनटू इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में. तो हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी किया हुआ है 2 प्लस 3i, हम डिनोमिनेटर के यानी छेद के कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट मींस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज, उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. तो डिनोमिनेटर में है यहां पे 2 प्लस 3i, उसका कॉन्जुगेट होगा 2 -3i, तो हम 2 -3i से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 2 -3i upon a plus ib into a minus ib. हमने उसकी फॉर्मूला याद रखी है, a square plus b square प्रीवियस लेक्चर में. तो ये हो जाएगा 2 square plus 3 square. So this is equal to 2 minus 3i upon 4 plus 9. So 2 minus 3i upon 13. इसे अगर हमें सेपरेट करना है, so 2 upon 13 minus 3 upon 13 i. तो 1 upon z1 जो है वो हो गया 2 upon 13 minus 3 upon 13 i. इसका real part है 2 upon 13, इसका imaginary part है minus 3 upon 13. So इस तरह से हम किसी भी complex number का inverse या reciprocal find out कर सकते हैं. इसी method से हमें z1 और z2 का division भी करना है. जब भी ऐसा डिवीजन आता है तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, यही मेथड फॉलो करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है और उसका सिंपलीफिकेशन करना है. और ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए हमें a plus ib into a minus ib के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला, जिसका आंसर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो हम यहां पे यूज करते हैं. तो सिमिलरली लेट्स डू डिवीजन ऑफ z1 एंड z2. सो नाउ z1 upon z2, z1 is 2 plus 3i, z2 is -1 -2i, so 2 plus 3i upon -1 -2i. अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिवीजन में डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है -1 -2i, इसका कॉन्जुगेट होगा -1 प्लस 2i, तो उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो -1 प्लस 2i अपॉन -1 प्लस 2i, सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3i इनटू -1 प्लस 2i अपॉन, नीचे हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू, अब हमें 2 प्लस 3i का अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले 2 इनटू -1 प्लस 2i,
फिर हम 3i से करेंगे, so plus 3i into minus 1 plus 2i upon 1 plus 4, minus of the square 1, 2 का square 4. So now this is equal to 2 को अंदर multiplication कर देते हैं, so 2 into minus 1 minus 2, 2 into 2 4i plus 3i into minus 1, this is minus 3i. Then plus 3i into 2i, 6i square upon 5. फिर सर फ्रेंड 2 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमने 3i से मल्टीप्लिकेशन किया, अब हम i square की वैल्यू minus 1 पुट कर देंगे. So this is equal to minus 2 plus 4i, this plus minus is minus 3i. प्लस 6i स्क्वायर की वैल्यू हम माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस i स्क्वायर विल बी माइनस 1 अपॉन 5. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2, ये प्लस 6 इनटू माइनस 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 6. इसे हम आगे रियल के साथ में लिख देते हैं, फिर ये 4i माइनस 3i विल बी प्लस i अपॉन 5. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 8 plus i upon 5, this we can write minus 8 upon 5 plus 1 upon 5 i. So this z1 upon z2 ka real part is minus 8 upon 5, z1 upon z2 ka imaginary part is 1 upon 5. So in this way we can solve any complex number in which addition, subtraction, multiplication, inverse or division is involved. हमेशा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को a plus i b के फॉर्म में लिखना है, तो हम सिंपलीफिकेशन करने के बाद जहां जहां भी रियल पार्ट है उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं और जहां जहां इमेजिनरी पार्ट है उन सबको इकट्ठा करते हैं और लास्ट का जो हमारा आंसर आता है वो a plus i b के फॉर्म में हम लिखते हैं. सो आई होप कि ये बेसिक ऑपरेशन और उसकी प्रैक्टिस आप सबको क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट एग्जांपल है express 2 plus i square upon 2 minus i in the form of x plus iy, means real part plus i into imaginary part, where xy belongs to r. तो friends यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसे a plus ib या x plus iy के form में लिखना है, तो हम उसका simplification करें. simplification के लिए हम कौन सा order use कर सकते हैं, तो अगर division type का दिया हुआ है तो numerator यानी अंश में जो कुछ भी है आप उसका सिंपलीफाई करिए a plus ib के फॉर्म में लाने का. डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आप सिंपलीफिकेशन करिए a plus ib के फॉर्म में लाने का, और फिर लास्ट में हम डिवीजन वाला काम करेंगे. तो सॉल्यूशन में हियर वी हैव गिवन 2 plus i स्क्वायर अपॉन 2 minus i, तो इन दोनों का डिवीजन. तो पहले हम क्या करेंगे कि इसे हम a plus ib के फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे. तो यहां पे हमारे पास 2 plus i square है, तो उसे हम कैसे ब्रैकेट को ओपन करें, तो हमारे पास a plus b की फॉर्मूला है, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. इस फॉर्मूला को हम यहां पे यूज करेंगे, या फिर आप 2 plus i into 2 plus i भी कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला से हमें इजी होगा. यहाँ a की जगह पे है 2 और b की जगह पे है i. फ्रेंड्स याद रखिए कि यहाँ पे a plus b के साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं, a plus ib के साथ में नहीं. तो a is 2 and b is i, तो a square that is 2 square, then plus 2ab, तो ये 2ab का 2, a is 2 and b is i, then plus b square, so b है हमारा i, तो यहाँ पे हो जाएगा i square upon 2 minus i. अब हम इसका सिंपलीफिकेशन करेंगे, so 2 square is 4, 2 into 2 4 i, so this will be 4 i, और plus i square, we know that i square is minus 1, अब हमें ये याद रखना है, तो i square की वैल्यू होगी minus 1 upon 2 minus i. So now this is equal to 4 minus 1, real part we have 4 or minus 1, uska simplification 3 plus 4i upon 2 minus i. Ab kya hoga friend, ab ye a plus ib
ऊपर भी हो गया a plus ib, नीचे भी हो गया। अब हमें इन दोनों का डिवीजन करना है, जैसे हमने आगे भी डिवीजन किया है कि हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 3 + 4i अपॉन 2 - i इनटू डिनोमिनेटर है 2 - i, उसका कॉन्जुगेट होगा 2 + i, तो हम 2 + i से ऊपर और 2 + i से नीचे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 - i इंटू 2 + i, ये हो जाएगा 3 + 4i इंटू 2 + i। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 - i 2 + i, 8 + ib into a - ib। अब हम a + ib के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 2 और b की वैल्यू हो गई हमारी 1, तो यहां पे हो जाएगा a² दैट इज 2² + 1² और ऊपर हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4i से, सो 3 into 2 + i then plus 4i into 2 + i। अब हमें इसका सिंप्लीफिकेशन कर देना है, तो डिनोमिनेटर में हो गया 4 + 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 into 2 = 6 plus 3i plus 4i से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को सो 8i plus 4i²। अब फिर से i square की वैल्यू -1 कर देनी है हमें, so this is equal to 5 6, यहां पे i square की वैल्यू हम रख देंगे -1, so 4 into -1 is -4, तो यहां पे हम 6 - 4 + 3i + 8i, so this is equal to 11i, so this is equal to 6 - 4 is 2 + 11i / 5, इसे अगर हमें सेपरेट कर देना है सो 2 / 5 + 11 / 5i। तो इस एक्सप्रेशन को हमने x + iy के फॉर्म में लिख दिया, वेयर दिस x इज इक्वल टू 2/5 व्हिच इज अ रियल नंबर प्लस y की वैल्यू है 11/5 which is again a real number. So in this form, we can convert any example into a + ib form या x + iy form. हमें हमेशा क्या करना है, friends? Step, numerator में जो भी कुछ है ऊपर अंश में, उसका simplification करिए, उसके अंदर addition, multiplication, जो भी कुछ है उसका simplify करके उसे a + ib के form में लाइए. डिनोमिनेटर में जो भी कुछ दिया हुआ है उसका सिंप्लीफिकेशन करके a + ib के फॉर्म में लाइए, और फिर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब कि अंश और छेद दोनों a + ib के फॉर्म में आ जाए फिर हम डिवीजन करें, और डिवीजन के लिए हमारे स्टेप्स क्या हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर सिंप्लीफिकेशन। सो आई होप कि ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया। Now next important topic is modulus or magnitude of a complex number. Suppose z is equal to x + iy. This is a complex number. इसे हम order pair में लिख सकते हैं x, y. इसका modulus या magnitude क्या है, उसे हम कैसे denote करते हैं वो हमें समझना है। तो पहले हम इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सो दिस इज अवर रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, इसे हमें प्लॉट करना है। तो फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज एक्स, this point is y, or we can say iy. तो ये जो दो point यहां मिल रहे हैं ये जो point होगा z is equal to x + iy, या फिर हम इसे ordered pair के form में लिख सकते हैं xy। तो
ये जो डिस्टेंस है वो x होगा और ये जो डिस्टेंस है वो y होगा. सो दिस इज x एंड दिस इज y. नाउ ओरिजिन से यानी कि ये जो नंबर है 0 0, यहां से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज डिनोटेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z. तो मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ z इज डिफाइंड एंड डिनोटेड एज, इस तरह से हम उसे मॉड्यूलस में एक्सप्रेस करते हैं. नाउ ये फाइंड कैसे करते हैं, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है तो ये जो एंगल है वो हमारा राइट एंगल, तो ये जो ट्राइंगल है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो उसके ऊपर से इस मॉड्यूलस जेड की वैल्यू हो जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई का मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड जो है वो मॉड z इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और ये जो है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस शो कर रहा है. सो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट. दूसरी चीज हमें जो याद रखनी है यहां पे कि हम जब भी इसका स्क्वायर रूट लेंगे हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है. जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 के दो आंसर मिलते हैं हमें प्लस 5 एंड माइनस 5. बट वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव साइन एज इट इज शोइंग द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल z1 इज इक्वल टू 3 plus 4i. z1 is equal to 3 plus 4i. इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है या मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड. सो मॉड्यूलस ऑफ z1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 16. सो रूट 25 विच इज इक्वल टू 5. तो यहां पे हमें दो आंसर मिल सकते हैं प्लस 5 एंड माइनस 5. बट सिंस दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मॉड्यूलस, दिस इज शोइंग द डिस्टेंस, सो देयरफॉर वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू. सो मॉड्यूलस ऑफ z1 इज इक्वल टू 5. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. आगे जो हम फॉर्म पढ़ने वाले हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हमें इस मॉड्यूलस की जरूरत पड़ेगी, मॉड्यूलस और हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी. तो वहां पे हम फिर से इस कंसेप्ट को यूज करेंगे. तो वंस अगेन फ्रेंड, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसे अगर हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, इसे x कंसिडर करते हैं, y कंसिडर करते हैं, तो ये पॉइंट हमारा हो गया x प्लस आई वाई या x वाई. ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है. ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड. उसे हम डिनोट करते हैं इस नोटेशन से और ये हम फाइंड आउट करते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. दूसरी चीज कि यहाँ एक्स वाई नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसकी मॉड्यूलस पे कोई इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ले रहे हैं. तो एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव उसका स्क्वायर लेंगे तो वो यहाँ पे पॉजिटिव ही होने वाली है. दैट्स व्हाई फ्रेंड यहाँ पे हमने 3 + 4i लिया है. अगर हम -3 + 4i लेते तो उसका मॉड्यूलस भी 5 आता. अगर हम -3 - 4i लेते तो उसका मॉड्यूलस भी 5 ही होता. तो यहाँ 3 और 4 कोई भी साइन हो प्लस माइनस उसका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे 5 ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर ले रहे हैं. तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं.
नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड डी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस i. ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका हमें कॉन्जुगेट और इसका मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे यहां पे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे सिंपलीफाई करके a प्लस ib के फॉर्म में लिखेंगे. तो z इज इक्वल टू 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस i. इसे a प्लस ib के फॉर्म में लिखने के लिए ये डिवीजन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस i, डिनोमिनेटर है 1 प्लस i, उसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस i अपॉन 1 माइनस i. तो इसके कॉन्जुगेट से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया. सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस i into 1 minus i, 1 plus i into 1 minus i. तो नीचे हो गया हमारे पास a square plus b square, a plus ib into a minus ib is equal to a square plus b square. ऊपर हम इसका multiplication कर देते हैं 1 को पूरे bracket के साथ में, फिर minus i को, या फिर ये 1 minus i का square है तो हम वो भी use कर सकते. So whatever you like. यहाँ पे suppose मैं bracket open कर देता हूँ, तो 1 into 1 minus i minus i into 1 minus i. So this is equal to 1 minus i. 1 से multiplication कर दिया, then minus i into 1 minus i minus minus plus i square. ये हो गया 1 plus 1. So this is equal to 1. और यहाँ i square की value है friends minus 1, so 1 minus 1 minus i which is minus 2i upon 1 plus 1 is 2. So now this is equal to 1 minus 1 is 0, so minus 2i upon 2, so this 2 will be cancelled, so answer is minus i. तो हमारा जो z था इसका सिंपलीफिकेशन हो गया माइनस आई. नाउ कॉन्जुगेट ऑफ z इज z बार, और वो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज. यहां पे ये जो नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि यहां पे कोई रियल पार्ट नहीं है, तो इसकी साइन चेंज करेंगे, सो वी गेट प्लस i. सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल गया. सेकंड जो हमें फाइंड आउट करना है मॉड्यूलस ऑफ z इज, वी राइट इन दिस फॉर्म. और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट हमारा 0 है, ऐसे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 0 माइनस i. तो रियल पार्ट है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 1, सो दिस इज इक्वल टू 1. सो दिस इज आवर आंसर. तो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 1. नाउ फ्रेंड्स, इसी को हम एक दूसरी मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी कि मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2. ये एक प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस के लिए. तो हमारा जो z है यहां पे मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस i. तो इसे हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस i upon modulus of 1 plus i using this property. Modulus of z1 upon z2 is equal to modulus of z1 upon modulus of z2. तो इन दोनों का हम separately magnitude निकाल रहे हैं. तो ये हो जाएगा root के अंदर 1 square plus minus 1 का square upon, ये हो गया 1 square plus 1 का square. So this is equal to root के अंदर 1 plus 1 upon रूट के अंदर 1 प्लस 1, सो दिस इज रूट 2 अपॉन रूट 2, सो दिस विल बी कैंसल, आंसर इज 1. तो इस तरह से भी हम
फाइंड आउट कर सकते हैं मॉड्यूलस इस टाइप के एग्जांपल की ही। देखिए इस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ मॉड्यूलस यहाँ पे कहा होता तो हम ये जो ऑल्टरनेट मेथड है इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखनी है, प्रॉपर्टी मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2। तो हम देख सकते हैं इससे भी हमें आंसर 1 मिला, और हमने जो इस z का सिंपलीफिकेशन किया था और जो हमें यहां पे माइनस आई आंसर मिला था उसका भी मैग्नीट्यूड यहां पे 1 मिला। सो फ्रॉम बोथ द मेथड वी कैन फाइंड इट्स मॉड्यूलस, वी कैन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, वी कैन फाइंड इट्स कॉन्जुगेट इन दिस वे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Next example is, if 1 plus I whole square upon 2 minus I is equal to x plus I y, then find the value of x plus y. इस example में हमें इसे simplify करना है पहले। Simplify करने के बाद हम इसके साथ में compare करेंगे। Real part compare करेंगे तो हमें x की value मिलेगी, imaginary part compare करेंगे तो हमें y की value मिलेगी, फिर हम x plus y find out करेंगे। So we start this example with x plus I y is equal to 1 plus I square upon 2 minus I। सबसे पहले हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो ऊपर हम स्क्वायर कर लेते हैं यूजिंग दी फॉर्मूला a plus b whole square। सो a square दैट इज 1 square plus 2, a is 1, b is I plus b square, so this is I square upon 2 minus I। So this is equal to 1 plus 2i, and we know that i square is equal to minus 1. So minus 1 और यहाँ पे plus है, तो वो minus 1 मिलाएगा upon 2 minus i. So this 1 and minus 1 will be cancelled. So 2i upon 2 minus i. अब हमें इसे a plus iv के फॉर्म में लिखना है, तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में 2 माइनस आई है, तो हम 2 प्लस आई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 प्लस आई, 2 प्लस आई, सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई, ऊपर हो जाएगा 2 आई इंटू 2 प्लस आई। अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं a plus ib into a minus ib, so we get 2 square plus 1 square, 2i से मल्टीप्लाई करेंगे, 2i into 2 that is 4i plus 2i into i that is 2i square, so this is equal to 4i plus 2 और i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1, सो अपॉन 4 प्लस 1, तो 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2, उसे हम पहले लिख देते हैं क्योंकि हम जनरली रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, तो हम हमेशा रियल पार्ट को पहले लिखने का ट्राई करेंगे। माइनस 2 प्लस 4i अपॉन 5, यहां पे इसे हम सेपरेट कर दें, सो माइनस 2 प्लस 5 प्लस 4 upon 5i, तो ये इसका सिंपलीफिकेशन हुआ राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x plus iy, x plus iy यहाँ पे कैरी हो रहा है, तो x plus iy is equal to this. Now comparing real and imaginary part. तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 2 बाय 5, दिस इज रियल पार्ट, एंड y की वैल्यू हमें मिलेगी 4 बाय 5, तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब हमें यहां पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही है x प्लस y की, सो x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 5 प्लस 4 by 5, इसका LCM हो गया 5, so minus 2
प्लस 4, सो आंसर इज 2/5। तो x प्लस y की वैल्यू हमें यहां पे मिली है 2/5। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल हो फ्रेंड्स, जब हमें ऐसा x प्लस i वाई या a प्लस i या कुछ भी दिया हो, तो हम उसे सिंपलीफाई करेंगे, a प्लस ib के फॉर्म में लाएंगे, फिर रियल पार्ट को कंपेयर करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर हमें जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा, सपोज यहां x माइनस y कहा होता तो हम यहां पे x माइनस y कर देते, सपोज यहां पे हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कहा होता तो x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, फिर उसका जो भी आंसर हमें मिले उसके अकॉर्डिंग फिर हमें आगे पढ़ना है। सो दिस इज वेरी इजी एग्जांपल, जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं उसकी हेल्प से ही हम ये सब एग्जांपल बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस iy एंड मॉड्यूलस ऑफ 3z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 4, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2। तो यहां पे हमें ये एक रिलेशन दिया हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ 3z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 4, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस i y, उसके ऊपर से हमें ये प्रूव करना है। तो हमें यहां पे जो दिया हुआ है वो हम ले लेते हैं, सो मॉड्यूलस ऑफ 3z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 4। यहां पे हम z की जो वैल्यू दी हुई है हमें x प्लस i y, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों जगह, और फिर हम उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो हमें यहां पे रिक्वायर्ड है वो प्रूव हो जाएगा। सो मॉड्यूलस ऑफ 3 z इज x प्लस i y इज इक्वल टू x प्लस i y माइनस 4, सो दिस इज इक्वल टू 3x प्लस i 3y, हमने ये 3 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 प्लस i y। तो अब फ्रेंड ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जिसका रियल पार्ट है 3x, इमेजिनरी पार्ट है 3y, ये दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है x माइनस 4 और इमेजिनरी पार्ट है y। इन दोनों का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला हमें पता है, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, रियल पार्ट था 3x उसका स्क्वायर कर दिया, इमेजिनरी पार्ट था 3y उसका स्क्वायर कर दिया, दिस इज इक्वल टू, यहां पे भी सिमिलरली x माइनस 4 ये रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करेंगे, सो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस, अब हमें इसे सिंपलीफाई करना है, सो दिस इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहां पे दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर रूट चला गया, सो दिस इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर, यहां पे हम a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, सो दैट इज 16 प्लस y स्क्वायर। अब हम इन सब एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, सो देयरफॉर 9x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इस y स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 8x प्लस 16। नाउ 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 8x स्क्वायर, 9y square minus y square is 8y square, इस minus 8x को भी left hand side पे ले आते हैं, तो वो हो जाएगा plus 8x is equal to
16. फिर से फ्रेंड क्या किया हमने यहाँ पे सबका स्क्वायर कर दिया है यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद जो लाइक टर्म जो सेम टर्म है उसे हम एक साथ ले आते हैं तो 9x² और ये x square को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो 9x² माइनस x² 9y² इस y square को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो 9y² माइनस y² इज इक्वल टू इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया माइनस 8x प्लस 16 तो 8x² 9x² माइनस x² इज 8x² 9y² माइनस y² इज 8y² इस माइनस 8x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो प्लस 8x इज इक्वल टू 16 यहां पे देखिए फ्रेंड्स जो हमें प्रूव करना है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे x² y² और x वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे तो ये जो कांस्टेंट टर्म है उसे हमने राइट हैंड साइड पे ही रखा है अभी इसे प्रूव करने के लिए यहां पे हमारे पास x² + y² + x = 2 है तो उस फॉर्मूला लाने के लिए हम यहां से 8 कॉमन निकाल लें या फिर हम 8 से डिवाइड कर दें तो हमें जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा सो डिवाइडिंग by 8 तो इसे अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू x² + y² + x इज इक्वल टू 2 ये 8 कैंसिल 8 कैंसिल ये 8 कैंसिल 16 by 8 इज 2 व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था वो यहां पे प्रूव हो गया तो इस टाइप के कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें मॉडुलस भी इन्वॉल्व हो और उसके ऊपर से हमें कोई इक्वेशन या कुछ फाइंड आउट करना है तो हमें मॉडुलस का जो वैल्यू है कि मॉडुलस ऑफ x + iy इज √x² + y² वो यूज कर लेना है सिंपलीफिकेशन करना है तो जो भी रिजल्ट हमें चाहिए वो बहुत ही इजीली प्रूव हो जाएगा